यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो बच्चों टेट्राहेड्रल के लिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। बच्चों टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किस तरह की होती है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये होती है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बच्चों कहलाती है। इसके अंदर हम जो इसको क्यूब के अंदर फिट किया जा सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर फिगर दिखाई हुई है। टेट्राहेड्रल बच्चों ये यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल में हम बात करें मेटल कॉम्प्लेक्सेस, तो यहाँ पर मेटल रहेगा, यहाँ पर चार लिगेंड्स रहेंगे। तो इसको एक क्यूब में फिट किया जा सकता है। मैं क्यूब में फिट करके आपको इसको दिखाता हूँ किस तरह से ये अगर क्यूब में डाला जाएगा। तो बच्चों दो कॉर्नर पर अगर ये लिगेंड्स बच्चों इन दो कॉर्नर्स पर रहेंगे, तो नीचे वाले जो दो लिगेंड्स रहेंगे वो कहाँ पर रहेंगे बच्चों? यहाँ और यहाँ। अगर दो लिगेंड्स यहाँ और यहाँ रह रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ और यहाँ पर हैं, तो टू लिगेंड्स बच्चों यहाँ यहाँ पर रहते हैं। लेकिन हम जो एक्सेस मानते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से देख लो बच्चों। एक्सेस यहाँ पर एक एक्स एक्सेस अगर ये मान रहे हैं, एक्स एक्सेस इस तरह जाएगी, इस फेस के मिड से वाई और इस फेस के मिड से जेड जाएगी। तो ये जो लिगेंड्स आते हैं इन एक्सेस के कहाँ से आते हैं बच्चों? मिड से आते हैं। तो अब जो डी ऑर्बिटल की लोकेशन है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों। यहाँ पर डी ऑर्बिटल जो रहेगा, क्योंकि एक्सेस इस तरह से हैं, तो डी एक्स वाई ये जो एज होगी इसके मिड में रहता है, या फिर इस तरह से रहेगा। लेकिन लिगेंड यहाँ रहा है, तो ये किसी भी ऑर्बिटल के सामने नहीं रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्लोज रहते हैं। जो लिगेंड्स क्या हैं बच्चों, जो मेट डी ऑर्बिटल्स कहाँ रहेंगे? मेट बीच वाले हैं, एक्सेस के बीच में रहते हैं। जैसे कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और एक्सेस पर कौन से रहते हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। उनसे तो काफ़ी दूर रहेंगे, तो उनके थोड़ा सा क्लोज रहेंगे और उनके साथ में थोड़ी सी ये ओवरलैपिंग भी करेंगे, ठीक है। तो अगर डी ऑर्बिटल्स भी इसमें फिट करके दिखाऊं बच्चों, तो डी ऑर्बिटल की लोकेशन क्या होगी? तो यहाँ पर आपके ये तो ध्यान रहा होगा कि लिगेंड्स कहाँ से आ रहे हैं बच्चों, कॉर्नर्स आ रहे हैं। जो डी ऑर्बिटल है वो यहाँ पर इस तरह से रहेगा, ये अगर दिखाएं तो इस तरह से, ये जो एज है इसके मिड में उसका पी ऑर्बिटल्स रहेगा। जबकि लिगेंड कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। या फिर इसमें हम बात करें तो बच्चों ये यहाँ पर रहेगा, मिड में रहेगा ये, ठीक है, ऑर्बिटल। जबकि लिगेंड्स कहाँ से आते हैं बच्चों? कॉर्नर से लिगेंड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करें बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो यहाँ पर भी हम जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह का है बच्चों? बीच में क्या है? मेटल है, और चार क्या आते हैं? लिगेंड्स हैं ये। तो लिगेंड का फॉर्म होगा ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। लिगेंड ऑर्बिटल्स किसके साथ ओवरलैप करेंगे? मेटल के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया होगा, तब जाकर के ये कॉम्प्लेक्स बना होगा। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, किस तरह से इनके ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई है उसी को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बच्चों जैसे कि अगर डायएटॉमिक में होता है, सपोज H2 का फॉर्मेशन, तो हम कहते हैं कि एक H का एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरे H का और एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पर क्या है? चार चार हैं, फोर लिगेंड्स है बच्चों, एक मेटल है। तो इसमें किस तरह से, ये तो डायटॉमिक तो काफ़ी ईजी है, एक H का एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरे H का, और बीच में जो बन गए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। यहाँ पर क्या होता है बच्चों? चार लिगेंड्स जो हैं इनके जो ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में ओवरलैप करेंगे। पहले ये आपस में लीनियर कम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं यहाँ पर टर्म? साल्क कहते हैं, सिमेट्री एडोप्टिव लीनियर कम्बिनेशन, साल। ये लिगेंड 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 के जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये क्या बनाएंगे? पहले क्या बनाते हैं बच्चों? साल्क बनाते हैं। वो जिनकी सिमेट्री, इन साल्क की सिमेट्री मेटल के साथ मैच करती है, तो वो इस तरह से ओवरलैप करते हैं। तो एक तरफ हम लिखेंगे मेटल के ऑर्बिटल, दूसरी तरफ लिखेंगे बच्चों लिगेंड के ऑर्बिटल। वो भी कैसे बच्चों? उनके कम्बिनेशन के ऑर्बिटल साल्क लिखे जाएंगे, और जिनकी सिमेट्री मैच करेगी वो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चों मेटल, पहले मेटल का लिखता हूँ एक साइड, फिर दूसरी तरफ जो लिगेंड ने कंबाइन होकर के जो ऑर्बिटल्स बनाएंगे उनको मैं लिखूंगा। तो मेटल के ऑर्बिटल की बात करें, मेटल के ऑर्बिटल की अगर बात करें, तो मेटल में कौन कौन से ऑर्बिटल है बच्चों? 3d, तो डी के अंदर कितने बच्चों? 5 हैं। फिर कौन से आएंगे इस मेटल के अंदर? दूसरे ऑर्बिटल के क्या है? एस। फिर क्या है बच्चों? पी, 4p। तो अब इनकी सिमेट्री बच्चों, इनकी सिमेट्री पता चलेगी आपको टेट्राहेड्रल की करेक्टर टेबल से जा करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रीफली याद रहे तो उसे ऐसे ही यहाँ पर बता देता हूँ बच्चों, क्योंकि 5 हैं तो इनकी सिमेट्री तो ये हमने क्रिस्टोफर थ्योरी में भी पढ़ी है बच्चों। डी ऑर्बिटल की सिमेट्री T2, 3 ऑर्बिटल, ट्रिपल ई डिजनरेट, 3 और 2 ई, E4 होता है बच्चों डबली डीजनरेट। तो 2 ऑर्बिटल्स हैं इसमें, T2 का मतलब ट्रिपल ई डीजनरेट, तो इसमें क्या है? 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो S के अंदर तो एक ऑर्बिटल होता है, तो इसकी सिमेट्री क्या है बच्चों? यहाँ पर A1 सिमेट्री का ऑर्बिटल रहेगा ये। और बच्चों ये जो P ऑर्बिटल रहेगा ये किस सिमेट्री का रहेगा? ये T2 सिमेट्री का यहाँ पर रहेगा।
अब यहाँ पर जो बच्चों साल्क बनेंगे टी टू के अंदर कौन कौन सा ऑर्बिटल है बच्चों, इसके अंदर डी एक्स वाई जो एक्सेस के मिड में रहते हैं ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और ई के अंदर कौन कौन से हैं जो एक्सेस पर रहते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। क्योंकि जो टेट्रा हेड्रल हमने क्यूब में फिट किया था तो लिगेंड जो है बच्चों कहाँ से आ रहे हैं, वो एक्सेस के मिड से आ रहे हैं, तो एक्सेस पर जो ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पर जो साल्क बनाया होगा तो ई सिमेट्री का नहीं रहेगा, किस सिमेट्री का रहेगा बच्चों, टी टू सिमेट्री का वो रहेगा एक, तो क्योंकि वो ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैप करेगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप इन लिगेंड्स ने की होगी, ठीक है, ई सिमेट्री का तो वहाँ पर रहेगा नहीं। दूसरी बात है बच्चों कितने नंबर साल्क बनेंगे, तो यहाँ पर ऑर्बिटल्स में बच्चों लीनियर कॉम्बिनेशन में ये फिक्स रहता है, जितने ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं कॉम्बिनेशन होता है उतने ही नंबर ऑफ साल्क बनते हैं, जैसे कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने ही नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो फोर लिगेंड्स ने के फोर ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो फोर साल्क बनेंगे। एक सिमेट्री हमें पता चल गई कि इसके सिमिलर होगा, तो कैसी सिमेट्री होगा, टी टू सिमेट्री का रहेगा, और एक कैसा रहेगा बच्चों, ए वन सिमेट्री का रहेगा, किस से मैच करता हुआ, एस से मैच करता हुआ, तो ठीक है बच्चों। अब क्या सेम एनर्जी के, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी के, और कैसे सेम सिमेट्रिक ऑर्बिटल ओवरलैप करने, जैसे कि यहाँ पर एक एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा एक मॉलिक्यूलर और एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग बच्चों ए वन किससे ओवरलैप करेगा, इधर से हैं ये मेटल के हमारे और उधर किसके हैं बच्चों, ये लिगेंड्स के हैं, तो ए वन किससे ओवरलैप करेगा, ए वन से लिगेंड के, ए वन से मेटल का ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैप कर रहा होगा, लिगेंड से, तो एक बॉन्डिंग ए वन बॉन्डिंग और ए वन बना रहा हूँ बच्चों मैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यहाँ पर बना रहा हूँ, तो एक तो बना बच्चों एंटी बॉन्डिंग, जब भी बनाऊंगा तो उसके ऊपर स्टार लगा दूंगा, ए वन बॉन्डिंग और ए वन क्या बन गया बच्चों, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यहाँ पर आ गया। दूसरा अब आते हैं हम डी ऑर्बिटल में बच्चों, डी में क्योंकि ई जो है एक्सेस के, ई के अंदर एक्सेस पर है और लिगेंड्स कहाँ से आते हैं इसमें, मिड में आते हैं, तो ई सिमेट्री वालों से ओवरलैप करेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो साल्क बने वहाँ पर ई सिमेट्री नहीं है, तो ये वाले जो ई रह जाता है ये नॉन बॉन्डिंग रह जाते हैं, ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स कैसे रह जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स वहाँ पर रह जाएंगे, क्योंकि इनकी सिमेट्री मैच नहीं कर रही लिगेंड के साल्क से, लिगेंड के सिमेट्री एडोप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑर्बिटल से मैच नहीं कर रहे, तो ये कैसे हो गए बच्चों, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हो गए, नॉन बॉन्डिंग। अब बच्चों टी टू के यहाँ पर टी टू सिमेट्री है, ये टी टू और ये टी टू, तो ये तीनों थ्री टी टू हो गए, यहाँ पर थ्री टी टू कंबाइन होंगे तो कितने बनेंगे, थ्री बनेंगे, तो एक तो फुल्ली बनेगा बच्चों बॉन्डिंग, जिसमें सारे के सारे कैसा करेक्टर रहेगा बच्चों, बॉन्डिंग करेक्टर रहेगा, इसका करेक्टर ज़्यादा होगा, इसका करेक्टर थोड़ा सा कम होगा नीचे, क्योंकि एनर्जी का गैप बड़ा हो गया, तो इस टी टू में इस टी टू का करेक्टर ज़्यादा होगा। दूसरा रहेगा बच्चों एक टी टू रहेगा यहाँ पर, उसमें मिक्स करेक्टर रहेगा टी टू एंटी बॉन्डिंग, और एक पूरा एंटी बॉन्डिंग करेक्टर टी टू का यहाँ पर रहेगा, ठीक है, तो आप इन टी टू को आपस में इस तरह से मैच करा दो, लेकिन इसका करेक्टर इसमें यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो इस तरह से बच्चों हमने सारे आपस में कंबाइन करा दिए, इसको भी यहाँ मिला सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनका थोड़ा सा मिक्सर इसका इसका और उसका मिक्सर वो है, और उसको भी यहाँ पर मैच करा दो, ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्या बन गए बच्चों, टी टू बॉन्डिंग, टी टू मिक्स वाला एंटी बॉन्डिंग और ये फुल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यहाँ पर टी टू का रहा। तो बच्चों ये जो एरिया बीच का रहा बच्चों, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वाला आ गया, जो कि क्रिस्टल फील्ड में हम देखते हैं डी ऑर्बिटल स्प्लिट किसमें करते हैं बच्चों, यहाँ पर टी टू और ई में, तो ई नीचे रहता टेट्राहेड्रल में और टी टू ऊपर रहता जिसमें हम डी डी ट्रांजिशन कराते हैं, वही यहाँ पर जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर भी बच्चों ये गैप आ गया, यहाँ पर ई और ये टी टू, ई नीचे रहता है और टी टू, तो बच्चों ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन गया हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। थैंक यू।